भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अमरदीप यादव का बोकारो चास में एक दिवसीय प्रवास हुआ, जिसमें जिलाध्यक्ष चितरंजन साव एवं जिला महामंत्री राजेश बर्णवाल के नेतृत्व में राहुल होटल चास में प्रदेश अध्यक्ष अमरदीप यादव का भव्य स्वागत अभिनंदन किया गया। अमरदीप यादव के द्वारा प्रेस मीडिया से बात के दरमियान झारखंड सरकार को आड़े हाथ लेते हुए अमरजीत यादव ने कहा कि झारखंड में पिछड़ी जाति की संख्या के आधार पर 27% आरक्षण झारखंड सरकार को देना ही होगा। सरकार में गठबंधन के लोग आरक्षण देने के पूर्व में भी सरकार के लोग कहते रहे हैं, लेकिन मेरा कहना है कि जब सरकार में आप हैं तो आप किससे मांगते हैं। आप 27% आरक्षण के कैबिनेट में प्रस्ताव पारित कर आरक्षण झारखंड की जनता को दीजिए। महागठबंधन की जो सरकार है, सरकार में करनी और कथनी में बहुत अंतर है। यहाँ सरकार अवैध खनन, बालू एवं कोयला चोरी, लिप्त भ्रष्टाचारी चरम सीमा पर है। कानून व्यवस्था बिल्कुल लचर हो गया है। आए दिन हत्या लूट हो रही है, इसमें सरकार का कोई ध्यान नहीं है। सरकार में ट्रांसफार्मर पोस्टिंग का खेला खेला जारी है। आने वाले बजट सत्र में 27% आरक्षण अगर यदि नहीं दिया गया तो हम लोग सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन करेंगे। इस सरकार को झारखंड से उखाड़ फेंकने का काम ओबीसी मोर्चा ही करेगी। जिला अध्यक्ष चितरंजन साव ने कहा कि ओबीसी मोर्चा को बोकारो जिला में सबसे मजबूत है और आगे भी रहेगा। बोकारो जिला के सभी मंडल में कार्य समिति बैठक हो रही है, जो बाकी है उसे भी अति शीघ्र कार्य समिति की बैठक पूर्ण कर लिया जाए एवं प्रदेश को सूचना समर्पित कर दिया जाएगा। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से भाजपा ओबीसी मोर्चा, जिला कोषाध्यक्ष संजय प्रजापति, जिला सोशल मीडिया प्रभारी शिवशंकर राय, रंजीत बंडवाल, अनूप कुमार, प्रदीप गोराई, रोहित बंडवाल, पप्पू चौरसिया, राहुल कृष्णा, सौरभ कुमार, प्रेमचंद, दिनेश महतो, मोनू कुमार एवं कई कार्यकर्तागण उपस्थित थे। बोकारो से विजय आनंद की रिपोर्ट। पर क्या हो रहा है जी, बताइए। आज हमारे भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा जाति मोर्चा प्रदेश के सम्मानित अध्यक्ष श्री अमरदीप यादव जी चास में प्रवास किए थे रात्रि। अहले सुबह आज सुबह हम लोग उनका सभी ओबीसी मोर्चा के पदाधिकारीगण, जिला मंडल के सम्मानित पदाधिकारीगण के साथ उनका भव्य स्वागत चास में किया गया। ये आप लोग के उनसे मांग भी कुछ किए हैं क्या? हम माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी को हम बोले हैं कि हम लोग ये 27% आरक्षण जो ओबीसी मोर्चा को मिलना चाहिए वे अपना, चूँकि झारखंड सरकार तो बरगला रही है, वो दे नहीं रही है। हम प्रदेश अध्यक्ष जी के मांग की है कि वो अपना वहाँ झारखंड सरकार के सामने अथी रखे। आप कहाँ स्वागत किए थे आज यहाँ जी? स्वागत कहाँ पर हुआ था? स्वागत यहाँ राहुल होटल चास चेक पोस्ट। अच्छा, भव्य स्वागत किया गया। यहाँ कर रहे हैं आप लोग जी? जी जी।